अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की रमज़ान की स्टार्टर रेसिपी है और आज की रेसिपी का नाम है गोभी 65। इस रेसिपी को बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है और खाने में ही उतनी टेस्टी है। मेरे वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, तभी तो मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं यहाँ पे गोभी का फूल 200 ग्राम ली हूँ, उसे मीडियम साइज पीसेस में कट कर लीजिए, ना बिल्कुल छोटा ना बड़ा। अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। अब गोभी को बॉईल करते हैं। एक पतीले में पानी ऐड करिए और गोभी को 50% ही बॉईल करिए। 1 टीस्पून नमक ऐड करिए। गोभी को 50% ही बॉईल करना है। गोभी बॉईल हो गई, अब रेसिपी का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बाउल में 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा खाते तो थोड़ा एक्स्ट्रा लीजिए, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून दही। अब इसी में 1/2 कप पानी ऐड करिए, अच्छी तरह से मिक्स करिए। सॉरी, मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, 1 टीस्पून नमक टेस्ट के हिसाब से। बैटर तैयार है, अब इसी में गोभी ऐड करिए। हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करिए। बीस मिनट के लिए गोभी को मैरिनेशन के लिए रखिए। गोभी को फ्राई करते हैं। कढ़ाई में तेल ऐड करिए, गैस को लो फ्लेम पे रखिए और गोभी को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ताकि वो अंदर से अच्छी तरह से पक जाए। याद रहे, जब कभी भी आप गोभी 65 बना रहे हैं तो गोभी को हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिए, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रहते, ऊपर से बिल्कुल फ्राई हो जाते। अच्छी तरह से स्टर करिए। गोभी अंदर से पक गई है, इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। गोभी को और क्रिस्पी बनाने के लिए इसे फिर से दोबारा हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई करिए। गोभी क्रिस्पी फ्राई हो गई, इसे प्लेट में निकाल लीजिए। गोभी 65 को और टेस्टी बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून तेल ऐड करिए, उसी में 1 टीस्पून जीरा, 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से सॉटे करिए। फिर उसी में 3 चॉप हरी मिर्च, 4 से 5 कड़ी पत्ता चॉप करी हुई,
1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करिए, हल्का सा सॉटे करिए, फिर उसमें फ्राइड गोभी ऐड करिए, हल्का सा सॉटे करिए, देखिए कितना अच्छा सा गोभी फ्राई हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।